पूछा है हमें शारीरिक और मानसिक दुख क्यों होते हैं और हम इनसे मुक्त कैसे हो सकते हैं। प्रकृति की अपनी व्यवस्था है, यह प्रकृति विराट है, यह प्रकृति अनंत काल से अनंत रूपों में अनंत कृत्यों को संपन्न करती जा रही। कभी ध्यान से आपने सोचा है इतना विराट अस्तित्व, इस विराट ब्रह्मांड में ना जाने कितने ग्रह उपग्रह, इतनी बड़ी संख्या में अपनी धुरी पर तीव्र गति से घूम रहे हैं, कोई एक दूसरे से टकराता नहीं। 3 अरब से भी अधिक सूरज वैज्ञानिकों ने इस ब्रह्मांड में देख लिए हैं अब तक। जो इस सूरज से जो हमें दिखाई पड़ता है उससे कई गुना बड़े बड़े एक सृजन और प्रलय अस्तित्व में निरंतर जारी है। पैदा होना, मरना और पैदा होने और मरने के बीच में एक यात्रा बचपन से मृत्यु तक की, कितना अद्भुत परिवर्तन। छोटा सा बच्चा गर्भ में आता है, फिर बच्चा पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मरता है। एक सतत शाश्वत परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है। ये शरीर पैदा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, इस प्रक्रिया में स्वाभाविक क्षरण होता है, और जो स्वाभाविक क्षरण होता है उसी के परिणाम स्वरूप शारीरिक तल पर व्यक्ति को कष्ट का अनुभव होता है। मानसिक तल पर कष्ट के अनुभव, दुख के अनुभव इसलिए होते हैं कि मनुष्य प्रकृति के इस राज को समझ नहीं पाता है। मनुष्य निरंतर संघर्ष में है, निरंतर लड़ रहा है। ऐसा संस्कारित हो चुका है हमारा मन कि हम हमेशा लड़ने की भाषा ही जानते हैं, लड़ने की भाषा में ही सोचते हैं, लड़ने की भाषा में ही जीते चले जाते हैं। जैसा है उसके विपरीत होना चाहिए, जो है उससे हम राजी नहीं हैं। इसीलिए सारे मानसिक दुख हैं, सारे मानसिक संताप सिर्फ इसलिए है क्योंकि जैसा है उससे हम राजी नहीं हैं, उसके विपरीत चाहते हैं। जो कुछ है जैसा है उससे राजी हो जाना, उसको पूरा पूरा स्वीकार कर लेना, टोटल एक्सेप्टेंस की अवस्था में चले जाना, यही सभी दुखों से मुक्ति का उपाय है। इसके अलावा आज तक और कोई दूसरा उपाय पैदा ही नहीं हुआ है। पूरे अध्यात्म जगत में, पूरे मनुष्य के मनोविज्ञान के जगत में और आज तक कोई दूसरा मार्ग नहीं पैदा हुआ है। एक ही मार्ग है कि यह विराट अस्तित्व सब कुछ स्वतः कर रहा है, आपके करने से चीजें नहीं हो रही है, चीजें स्वतः हो रही है। उनसे राजी हो जाने के अलावा आपके पास कोई दूसरा विकल्प है नहीं। जब दूसरा विकल्प नहीं है तो शेष बचता है सर्व स्वीकार का भाव, टोटल एक्सेप्टेंस, राजी हो जाना। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम जैसा चाहते हो वैसा करने के लिए चेष्टा न करो, तुम जैसा चाहते हो वैसा करने के लिए, वैसा होने के लिए, वैसा पहुंचने के लिए सारे प्रयास करो। लेकिन सारे प्रयास करते हुए जो परिणाम में तुम्हें मिले उसके प्रति टोटल एक्सेप्टेंस, पूर्ण स्वीकार का भाव, कोई विरोध नहीं। इसी बात को भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जो कर्म करने में ही संतुष्टि का भाव प्राप्त कर लेता है वही योगी। एक व्यक्ति चित्र बनाता है और चित्र बनाने में ही उसका आनंद है, चित्र बनाते बनाते वो चित्र के सृजन में इतना डूब जाता है कि अपनी पूरी प्राण ऊर्जा उड़ेल देता है चित्र को बनाने में, और प्राण ऊर्जा उड़ेलने के बाद एक खूबसूरत चित्र बनकर तैयार हो जाता है। जो चित्र बनकर तैयार हो जाता है जब उसे देखता है चित्रकार तो प्राणों से गदगद हो जाता है, आनंदित होता है, वाह मेरा पूरा प्राण इस चित्र में प्रकट हो गया है, मेरी सारी ऊर्जा इस चित्र में प्रकट हो गई है,
ये सोचकर चित्रकार आनंदित होता है। चित्र को बना लेना इसी में ही उसका आनंद है, और चित्र जब बनकर तैयार हो जाता है वो पूर्ण तृप्ति को उपलब्ध हो जाता है। अगर 10 लोग देखते हैं उसके चित्र को, उसकी तृप्ति उस चित्र के सृजन में पूर्णता को उपलब्ध हो जाती है। दूसरा व्यक्ति चित्र को बनाता है और निरंतर बनाते बनाते उसका ध्यान इसी पे केंद्रित रहता है कि जल्दी चित्र बन जाए, इसको पसंद करने वाले लोग आ जाएं, ये बाजार में अच्छे दाम पर बिक जाए। जब ये अच्छे दाम पर बिक जाएगा तब मुझे तृप्ति मिलेगी। अब उसका ध्यान कहाँ होगा? चित्र बनाते समय भी उसका ध्यान लगा रहेगा चित्र के विक्रय पर, चित्र के बिकने पर। अगर ध्यान चित्र के बिकने पर केंद्रित हो गया है तो चित्र बनाते समय चित्र को बनाना चित्रकार का आनंद नहीं बन सकता है। चित्र को बनाने का आनंद चित्रकार को नहीं मिल सकता है। तो जब आपका ध्यान कर्म के फल पर केंद्रित रहता है तो कर्म करना आपके लिए आनंदकर नहीं होता, प्रीतिकर नहीं होता, कर्म करने में आपको तृप्ति नहीं मिलती। इसलिए सारे अध्यात्म का सार है कि जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म को करने में ही आप पूरी ऊर्जा लगा दें, उसके फल पर केंद्रित ना हो। कर्म जो करना है, जिसको आपने अपना लक्ष्य बना लिया है कि ये काम आपको करना है, तभी तो कर्म करते हैं, उस कर्म में पूरी प्राण ऊर्जा को उड़ेल देना तो कर्म करते समय अद्भुत आनंद की प्राप्ति, अद्भुत आनंद का अनुभव आपको होता है। और कर्म पूरा होते होते वो कर्म ही योग बन जाता है। और फिर उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम ये होता है कि वो काम इतना अद्भुत हो जाएगा, क्योंकि आपकी पूरी ऊर्जा उसी पे केंद्रित हो गई है, वो कर्म इतना अद्भुत हो जाएगा कि उसका फल 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। वो चित्र बाजार में अनंत गुना दाम पर बिकेगा ही बिकेगा, ये उसका स्वाभाविक रिजल्ट होता है, स्वाभाविक परिणाम होता है। लेकिन मनुष्य के साथ बिल्कुल उल्टा है। कर्म करते समय उसकी चेतना हमेशा परिणाम पर, फल पर केंद्रित रहती है, जिसके कारण पहली बात ना तो उसे कर्म करने का आनंद प्राप्त होता है और न ही कर्म करने का पूरा फल ही उसे प्राप्त होता है। तुम दोनों से वंचित हो जाते हो।